Hi everyone, hope you all must be doing great. Let's start with question number 3. Question number 3 co-ownership ka question hai. Aap jante honge section 26. Section 26 of house property co-ownership se deal karta hai. House property ke sections yaad karne ki koshish kijiye. 22 se lekar 27 tak. 22 to 27. जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट इजी सेक्शन है 26, इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है. 26 के अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं को ओनरशिप के. को ओनरशिप का मतलब होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है और उसके मोर देन वन ओनर है, फॉर एग्जांपल दो ब्रदर्स हैं या दो फ्रेंड्स हैं या तीन लोग हैं, चार लोग हैं, प्रॉपर्टी सिंगल ओनर की नहीं है, इट इज़ property which is co-owned by more than one owner. Section 26 इससे deal करता है. Section 26 जब आप पढ़ते हैं तो वो दो बातें बोलता है, या तो property let out है या self-occupied है. Section 26 में अगर property let out है तो उसकी computation हम कैसे करते हैं? सबसे पहले पूरी property को consolidated as a single unit income निकाल लीजिए. अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो पहले इनकम निकाल लीजिए उस प्रॉपर्टी की, उसके बाद उस इनकम को डिवाइड कीजिए बिटवीन द को ओनर्स. यानी कि लेट आउट में पहले इनकम निकलती है एज अ सिंगल ओनरशिप और उसके बाद उसको डिवीजन होता है उसका. बट अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि जो को ओनर्स हैं उन्होंने ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड की हुई है, तो शुरू से ही सेपरेटली कंप्यूटेशन होगी. और आपको पता है कि एनएवी निल होती है सेल्फ ऑक्यूपेशन के केस में. तो अगर सेल्फ ऑक्यूपेशन का केस है तो एनएवी निल होती है, और फिर 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो निल ही हो जाएगा, और 24B इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है बट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट. वो लिमिट कितनी है? 30,000 और 2 लाख एज द केस में भी. सो आई एम अगेन रिपीटिंग, सेक्शन 26 एक ईजी सेक्शन है, इम्पॉर्टेंट भी है. 26 कहता है कि अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट है तो पहले इनकम निकालिए, बाद में स्प्लिट कीजिए. बट अगर ये प्रॉपर्टी सेकेंड केस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो शुरू से ही स्प्लिट करते हुए चलिए, सेपरेटली हर ओनर के लिए अलग अलग इनकम निकाल लीजिएगा. सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज two brothers Amit and Sumit are co-owners of a house property with equal share. दोनों ही co-owner हैं बेटा, दो भाई हैं, दोनों ही co-owner हैं एक property के with equal share 50% ownership है. The property was constructed during the financial year 98-99. Again ये वाला year important हो जाता है because we should remember one date, 1 April 1999, क्योंकि हमें पता है कि 1 April 1999 के बाद 2 लाख की लिमिट आई है इंटरेस्ट की अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है. क्योंकि अगर इससे पहले कंस्ट्रक्ट हुआ है तो हम 30,000 ही लेते हैं. सो यहाँ पर अगर हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन देनी होगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, तो हम 30,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते बिकॉज द हाउस वॉज कम्प्लीटेड इन द ईयर 98-99. You should remember one date, that is 1st April 1999. के बाद provisions अलग हैं, इससे पहले provisions अलग थे. Please revise कीजिएगा section 24B interest का. आगे लिखा है, the property consists of 8 identical units and is situated at Cochin. Cochin में ये property है, 8 units हैं इसकी, 4-4 units दोनों की मान लेते हैं, 50% 50%. मतलब एक घर है, टोटल उसकी 8 आइडेंटिकल. आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सिमिलर 8 यूनिट्स हैं सेम साइज की. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 ईच को ओनर ऑक्यूपाइड वन हाउस वन यूनिट फॉर रेसिडेंस. ईच को ओनर ने एक यूनिट अपने लिए रेसिडेंस के लिए रखता था, यानी कि अमित के पास एक यूनिट, सुमित के पास दूसरी यूनिट. 8 में से 2 यूनिट तो ये खत्म हो गई, 1 and 1, 6 यूनिट्स बाकी बची. लिखा है उसके बारे में, एंड द बैलेंस ऑफ 6 यूनिट्स वर लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 12,000 पर मंथ पर यूनिट.
यानी कि बाकी ये 6 यूनिट्स लेट आउट हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बातें की थी सेक्शन 26 की, को ओनरशिप में कैसे करते हैं। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पहले पूरा निकाल लीजिए, बाद में स्प्लिट कीजिए। तो यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी के में से 6 यूनिट्स ऐसी हैं जो लेट आउट है, 6 यूनिट्स को ओन्ड भी हैं, लेट आउट भी है, तो पहले 6 यूनिट्स की इनकम निकाली जाएगी, उसके बाद उस इनकम को स्प्लिट कीजिए। और बाकी अगर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है वो शुरू से ही अलग अलग रहेगा, यानी कि आपके सॉल्यूशन में आपको 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, 6 यूनिट्स लेट आउट का अलग, सेल्फ ऑक्यूपाइड के 2 कॉलम्स बनेंगे, एक कॉलम अमित के लिए, एक कॉलम सुमित के लिए। अपनी प्रेजेंटेशन में प्लीज चेक कीजिएगा, लिखा हुआ है द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 9 लाख। पूरे घर की म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख है। फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट के बारे में नहीं दिया गया, तो यही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने अब अपने घर को 3 हिस्सों में बांट दिया है, 6 यूनिट्स 1 यूनिट 1 यूनिट। इसका मतलब ये जो 9 लाख रुपीज म्युनिसिपल वैल्यू है, एक्सपेक्टेड रेंट जब निकालिएगा तो 6 यूनिट्स का अलग निकालिएगा। 6 यूनिट्स का मतलब होता है 6/8, 6 out of 8, दैट इज 75%। तो एक्सपेक्टेड रेंट होगा 9 लाख का 75% जब आप 6 यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस 20% पे करें हैं, 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। 6 यूनिट्स की जब निकालें तो 9 लाख का 20%, इसका 75%, विच हैज़ बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। पेड ड्यूरिंग द ईयर याद कीजिए, म्युनिसिपल टैक्सेस तभी अलाउड होते हैं इफ दे आर एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो लिखा हुआ है दे आर पेड, तो हम अलाउ कर देंगे। द अदर एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज, रिपेयर का 40,000, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 15,000, इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 3 लाख रुपीज। शुरू के जो दो एक्सपेंसेस हैं रिपेयर और इंश्योरेंस को हमें नहीं लेना है कंप्यूटेशन में, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते हैं। प्लीज़ अपने आंसर में एक लाइन का नोट ज़रूर दीजिएगा कि रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम शैल नॉट बी अलाउड सेपरेटली, इनको हम अलग से अलाउ नहीं करते हैं। आपको नोट्स इतने ज़्यादा बड़े नहीं देने हैं बेटा, क्योंकि आपको रिपेयर्स और इंश्योरेंस प्रीमियम को आप इग्नोर कर रहे हैं। अब अगर आप इग्नोर कर रहे हैं और अपने इसका नोट भी नहीं देंगे, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपको पता है रिपेयर्स और इंश्योरेंस को नहीं लेना और आपने लिया भी नहीं और इसका नोट भी नहीं दिया, तो एग्जामिनर के पास ये सोचने के लिए हो जाएगा कि शायद स्टूडेंट को आता नहीं था इसलिए उसने छोड़ दिया। प्लीज़ आप इसको अलग से एक लाइन का नोट ज़रूर देकर आएँ कि रिपेयर्स और इंश्योरेंस प्रीमियम को हम कंपटीशन में नहीं लेंगे बिकॉज दे आर नॉट अलाउड। ज़्यादा बड़े नोट्स मत दीजिए, एक लाइन या 2 लाइन मैक्सिमम, दैट्स इट। आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जब हम स्टडी मटेरियल देखते हैं इंस्टीट्यूट का या सजेस्टेड आंसर्स देखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी बार आधे आधे पेजेस के नोट होते हैं। सर हमसे के इंस्टीट्यूट ये डिमांड करता है कि अपने एग्जाम में भी आधे पेज के नोट्स लिखें, द आंसर इज नो, प्योरली नो। वो इंस्टीट्यूट आपको समझाने के लिए, वो स्टडी मटेरियल में सॉल्यूशन दिया गया है क्वेश्चन का, सजेस्टेड आंसर्स में सॉल्यूशन दिया गया है स्टूडेंट को समझाने के लिए, तो वहाँ पर इतना आधा पेज का या काफ़ी बड़ा पैराग्राफ फॉर्म में नोट्स लिखा होता है। आपको बिल्कुल भी ऐसा एग्ज़ाम में नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपके बहुत सारे नंबर का पेपर छूटने वाला है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें, 1 or 2 line नोट इज़ मोर देन सफिशेंट। हाँ प्लीज़ साफ साफ लिखें, थोड़ा सा गैप देकर लिखें लाइंस के बीच में। अगर आपने एक नोट लिखा है तो दूसरे नोट कम से कम 1 line या 2 line छोड़ें। आपकी कॉपी में आपकी आंसर शीट बहुत नाइसली प्रेजेंट होनी चाहिए। हैंडराइटिंग अगर आपकी एवरेज भी है तो भी चलेगा, जिसकी बहुत बेकार हैंडराइटिंग है वो थोड़ा ठीक कीजिए। ओके कमिंग बैक, वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेंड वेकेंट फॉर 4 months ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि यहाँ पे वैकेंसी भी है। दिस इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन को करने से रिवाइज हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक यूनिट 6 में से 1 यूनिट 4 महीने के लिए वेकेंट भी थी, तो जब आप एक्चुअल रेंट लीजिएगा तो 6 यूनिट्स का पूरे 12 महीने का ना लेकर
उसमें से माइनस भी करना पड़ेगा ये 4 महीने का रेंट। और वैकेंसी के लिए आपको जब जीएवी निकालेंगे तो वैकेंसी का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपको प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट भी निकालना पड़ सकता है। ये वैकेंसी का कंसेप्ट है। तो ये मैं वैकेंसी का कंसेप्ट इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, किसी और क्वेश्चन आएगा प्रॉपर वैकेंसी का तो मैं वहाँ पर बताऊँगा। आप प्लीज़ वैकेंसी के कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, छोटा सा कंसेप्ट है, 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, इस वीडियो के बाद कर लीजिएगा। आगे लिखा है, अमित कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 मंथ्स एज ही वॉज ट्रांसफर्ड टू चेन्नई, दूसरे शहर में उसका ट्रांसफर हो गया है। He does not own any other house there. वहाँ पर इसका कोई दूसरा हाउस भी नहीं है। You must be remembering this concept कि अगर हमारा घर वेकेंट हो जाता है because हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे शहर पे, owing to our employment या business की वजह से हम दूसरे शहर में चले जाते हैं और हमारा घर वेकेंट हो जाता है, तो भी हम इसकी वैल्यू निल ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो उसकी एक यूनिट है जो पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, उसका ट्रांसफ़र होने की वजह से वेकेंट हो गई है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एनएवी विल बी निल। द अदर इनकम ऑफ मिस्टर अमित एंड सुमित आर ₹3,90,000 एंड 280 रिस्पेक्टिवली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। इनकी दूसरी इनकम भी दी गई है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी एंड टोटल इनकम ऑफ टू ब्रदर्स। आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ साथ टोटल इनकम भी बतानी है। तो आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए जहां पर हम इसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। सो यू कैन लुक एट योर स्क्रीन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ अमित एंड सुमित फॉर असेसमेंट ईयर 1920 आपका मेन आंसर होगा। मेन आंसर आपको पता है ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को वर्किंग नोट में शो कर दीजिए, दूसरी इनकम को भी वहाँ पर दिखाइए। टोटल इनकम पांचों हेड से इनकम जीटीआई होता है, चैप्टर 6 से रिडक्शन के बाद टोटल इनकम आ जाती है। इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट चैप्टर 6 से 80C टू 80U की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आपकी जीटीआई वही ही टोटल इनकम बन जाएगा। मेन है यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इसके वर्किंग नोट आप बहुत प्रॉपरली बनाएंगे। हमेशा अपने मेन आंसर में और वर्किंग नोट में सिग्निफिकेंट गैप छोड़ें, लगभग 2 से 3 लाइंस का, जिससे एग्जामिनर एकदम आइडेंटिफाई कर पाए कि यहाँ से आपके वर्किंग नोट शुरू हैं। एंड वर्किंग नोट्स आर नॉट रफ नोट्स, वो रफ नोट्स नहीं होते, बहुत आप सजा कर मत लिखिए उसको, बट एक एवरेज डिसेंटली उसको प्रेजेंट कीजिए। सो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पर 3 कॉलम्स में डिवाइडेड होगी, तो लेट आउट प्रॉपर्टी 6 यूनिट्स का, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अमित के लिए और सुमित के लिए अलग अलग एक एक यूनिट के लिए। जीएवी निकाल लीजिए। लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में पहले बातें कर लेते हैं। जीएवी होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, और वैकेंसी है तो अकॉर्डिंगली ट्रीट भी होता है। तो यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड रेंट के लिए सिर्फ म्यूनिसिपल वैल्यू के बारे में बताया गया था, आप उसको कैलकुलेट कीजिए। आप जीएवी के साइड में भी आप कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, मैंने यहाँ पर अलग से नोट नंबर 2 में दिखाई है। वहाँ पर म्यूनिसिपल वैल्यू 9 लाख थी, 6 यूनिट्स का मतलब है 6 out of 8, दैट इज 75%, तो आपका 6,75,000 एक्सपेक्टेड रेंट होगा। और एक्चुअल रेंट आपका 12,000 पर मंथ है पर यूनिट फॉर 6 यूनिट्स, इसमें से माइनस कीजिए 1 यूनिट जो 4 महीने के लिए वेकेंट थी, 8,16,000 आएगा। पहले से ही एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, योर जीएवी विल बी 8,16,000। अगर ये एक्चुअल रेंट कम होता तो आपको प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट भी निकालने के बाद कंपेयर करना पड़ता। ये एक डिफरेंट टॉपिक है वैकेंसी का, प्लीज़ आप इसको पढ़िएगा अपनी बुक से। अगर वैकेंसी का कोई और क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा इसको। तो योर जी ए वी इज 8,16,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने पे करे हैं 1,35,000, वन कैसे आया होगा आप उसको शो कर सकते हैं ब्रैकेट में। 9 लाख का 20% म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, उसका 75%, दैट इज फॉर 6 यूनिट्स। एन ए वी आ गई 6,81,000, डिडक्शंस दीजिए 24A 30%, 24 भी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था 3 लाख दिया गया था, 3 लाख का 75%, दैट इज़ 2,25,000। यहाँ पर कोई लिमिट तो होती नहीं लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, तो 2,25,000 का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद
you are getting your house property income from this 6 units 2,51,700. अब एक बार ये इनकम आ गई है, दिट शुड बी स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स. और वहां पर देखिए आपने स्प्लिट करके भी दिखाया हुआ है यहां पर कि 2,51,700 को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 125,850 गिवन टू बोथ द ओनर्स. अब बाकी की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए इजी है निकालना. आप इसकी एनएवी जीरो लेंगे, डिडक्शन 24A की अगेन जीरो ही हो जाएगी. 24B इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आएगा क्योंकि वन यूनिट का आप निकाल लीजिए 3,00,000 × 1/8 और वो 30,000 से ज्यादा आ रहा है. 3,00,000 / 8 37,500. आप इतना ले नहीं सकते हैं. मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिमिट रहती है 30,000 रुपीज़ की. आप सिर्फ उसमें 30,000 ही ले पाएंगे. तो यहाँ पर 30,000 लीजिएगा क्योंकि रीज़न क्या है, 1 अप्रैल 1999 से पहले पहले ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, उसके लिए 30,000 ही लेते हैं. तो यहाँ पर हमारी इनकम नेगेटिव 30 और 30 आएगी दोनों लोगों के लिए. और इनका शेयर ऐड करने के बाद इनकी नेट इनकम हो जाती है 95,850. ये अपने मेन आंसर में शो कीजिए और टोटल इनकम आपकी आने वाली है 4,85,850 फॉर अमित एंड 3,75,850 फॉर सुमित. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. प्लीज को ओनरशिप का सेक्शन रिवाइज कीजिएगा. इजी सेक्शन है, 5 से 10 मिनट में आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं और इसके क्वेश्चंस कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी को ओनरशिप का ही होगा. सो प्लीज़ ये क्वेश्चंस का आप कंप्लीट करते रहिए. और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि आपको ओरली नहीं करने हैं ये क्वेश्चंस, आपको करने हैं इसको एक्चुअली सॉल्व अपनी कॉपी या रजिस्टर में. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.